ओके 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 होम है ओके ठीक स्टार्ट। अब कोई आवाज की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं? ओके फिर ना कहना वो एहतियातन मोबाइल पास रख लो। हाँ एहतियात अच्छी होती है ना, जितने यहाँ सब रिकॉर्ड हो रहा मेरे ख्याल से आप इसको एडिट भी कर पाएंगे। ओके ओके अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूँ उज्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज्मा। आज मेरे साथ एक बड़ी ही ब्लू ब्लू सी क्यूट फैमिली आपको नजर आ रही होगी। अरे ये तो मैंने रियलाइज किया ही नहीं। नहीं मैं फिर इंटरव्यू लेने वाली ना, मुझे रियलाइज हर चीज को मैं देखती हूँ फील नहीं करती। ब्लू ब्लू फैमिली नजर आ रही होगी, बड़ी क्यूट सी सेहतमंद, माशाल्लाह ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे। ये है दनक और ये है इनके हस्बैंड याहिया, और ये दरमियान में जो छोटी सी क्यूटू ब्लू है इसका नाम है सारा। ये याहिया भाई जो है ये अंग्रेज थे, इन्होंने मुसलमान होकर इस्लाम कबूल किया और फिर इनसे शादी की। ठीक है, ये शादी कैसे हुई, ये लव स्टोरी कैसी है और इनकी शादी को माशाल्लाह 8 साल गुजर गए हैं, सारी बातें आज इनसे पूछेंगे। ये डेनमार्क में होते हैं, मैं पाकिस्तान में हूँ, लाहौर में हूँ। इन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता किया था कि प्लीज आप हमारा इंटरव्यू लें, हमारी एक बड़ी अच्छी लव स्टोरी है। तो मैंने कहा मैं डेनमार्क तो नहीं जा सकती, तो कुछ कुछ इंटरव्यू हम ना ऑनलाइन भी कर लेते हैं। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू है जो मैं ऑनलाइन करूंगी। ठीक है, तो आप मेरा साथ दीजिएगा, अब हम इनकी लव स्टोरी इनकी जुबानी जानते हैं। बोर नहीं आप लोगों ने होना, 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह, सारे शोर शोर क्वेश्चन पूछेंगे। तो फिर जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, सबको अस्सलाम अलैकुम। दनक आप कैसी हैं? आपका नाम माशाल्लाह इतना प्यारा, दनक जो वो आसमानों में ना क्या कहते हैं आसमान, बारिश के बाद बड़ी प्यारी लगती है वो दनक आपका। आपके जो जो फेस की ये स्माइल है ना, ये बता रही है कि या भाई आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उसका ये रंग चढ़ा हुआ है। ठीक है, कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई, कैसे इन्होंने इस्लाम कबूल किया, जो बात मुझे अट्रैक्ट कर गई प्लीज आप मुझे बताएंगे। हम लोग मिले थे, इत्तेफाक की बात है कि हम लोग सेम कॉलेज में थे लेकिन कभी भी कॉलेज में नहीं मिले। तो इनके फ्रेंड्स ग्रुप और मेरी सिस्टर का फ्रेंड्स ग्रुप जो था सेम था, तो ये शुरू से ही इस्लाम में जो है इंटरेस्टेड थे। तो उन्होंने जब मेरी सिस्टर को देखा तो सोचा कि चलो इससे दोस्ती करते हैं, कुछ और पता चलेगा इस्लाम के बारे में सब। तो हम लोग अपने घर में जो है तब हर मंथली जो है न्याज रखते थे। तो मेरी सिस्टर ने अब्बू से पूछा कि क्या हम मैं उसको बुला लूँ, एक लड़का है जो इस्लाम के बारे में जानना चाहता है, इंटरेस्टेड है। तो अब्बू ने कहा हाँ ठीक है बुला लो, कोई नहीं। तो वो दिन है जब वो घर पे आए थे, तो मैंने उनको पहली बार देखा था। और जब देखा तो फिर देखते ही रह गए। हाँ जी कल ईद है। अच्छा, तो हम लोग बस वो एक दूसरे को जब देखा तो बस हो गया, दोनों को एक ही साथ एक ही टाइम पे मोहब्बत हो गई। फिर ये कितना अरसा चली और फिर आपकी शादी कैसे हुई? हम लोग एक्चुअली मैंने इनको कभी कहा नहीं मुसलमान होने के लिए, और हम लोगों के मिलने के 4-5 दिन बाद इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद हम लोगों की बातचीत शुरू हुई है। मैं तो मेरी तो कोई बातचीत भी नहीं होती थी, हम लोग उस तरह से जानते भी नहीं थे, सिर्फ सलाम दुआई थी उस दिन जब आए थे न्यास पे। तो इस तरह जो है इनके मुसलमान होने के बाद फिर हमारी बातचीत शुरू हुई थी। ओके, तो फिर जब इन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे, हम चाहते हैं कि कुछ वक्त एक दूसरे को जाने डेट करें, तो फिर मैंने इनसे कहा कि नहीं मैं फिर अपने पेरेंट्स को बताना चाहूंगी और उनसे आके इजाजत लो मिलने के लिए, मैं उनसे नहीं छुपाना चाहती कि हम कहाँ है क्या कर रहे हैं। तो अच्छा। ये आए घर, तो आए तो थे इजाजत लेने के लिए कि मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ कि नहीं, और रिश्ता पक्का हो गया। हाँ जी, हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ एक हफ्ता जानते थे और रिश्ता पक्का हो गया। जी माशाल्लाह, यानी कि इस्लाम में इतनी ताकत है, एक
चार दिन के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर एक हफ्ते में रिश्ता भी पक्का हो गया माशाल्लाह। पक्का हो गया। और फिर आप पास ही थी? हम मैं सेम उस यानी के साथ साथ नहीं बैठे थे, लेकिन मैं सेम रूम में बैठी हुई थी और अच्छा। मेरे आंखें खुली की खुली रह गई, हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ पे तो सिर्फ बात करने के लिए हम लोग आए थे कि मिलने की इजाजत मिल जाएगी, यहाँ तो रिश्ता पक्का हो गया। तो आपको हंसी आई या हंसी भी बहुत आई कि क्या हुआ। जी बिल्कुल। फिर हम बड़ा फिर शादी भी हो गई, शादी भी छह सात महीने बाद शादी हो गई। अच्छा तो ये 6-7 महीने फिर आप मिलते रहे? जी क्योंकि हम लोग सेम कॉलेज में थे ना। ओके तो फिर जब हम लोग को बाद में पता चला कि हम सेम कॉलेज में थे, तो कभी अगर मैं ड्राइव करके कॉलेज जा रही हूँ तो मैं इन्हें पिक कर लेती थी, वो ड्राइव करके कॉलेज जा रहे हैं तो मुझे पिक करते हुए जाते थे, मुझे घर ड्रॉप कर रहे हैं तो साथ घर आ गए। इस तरह चलता रहा। माशाल्लाह आपकी एक बेटी है जी सारा जी। अच्छा तो आगे कोई और बेबीज का प्लान नहीं है? जो अल्लाह की मर्जी। हाँ जी इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह आप खुश हैं दोनों। कितने साल हो गए आपकी शादी को? 8 साल हो गए, अगस्त में 8 साल हो जाएंगे। और दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जा रही है कि कभी लगा है कि कम हुई? Are you feeling in love with me more and more every day? Look there and tell, don't tell me, tell them. She's asking. हाँ जी बिल्कुल। उनको आती है या भाई को थोड़ी बहुत? थोड़ा सा क्या बात है, थोड़ा सा। अच्छा अस्सलाम वालेकुम याया भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह शुक्र। और आप? मैं बिल्कुल ठीक माशाल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सल्यूट यू। थैंक यू। क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी माशाल्लाह। आपको पता है कि हमारा इस्लाम जो है वो जबरन या जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता, क्योंकि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा किसी को भी आप जबरदस्ती साए नहीं, उसको जबरदस्ती नहीं उसके साथ करें, वो कहाँ है उसको थोड़ा सा समझाए, अगर उसका दिल खुद मानता है तो ठीक है। तो माशाल्लाह ये तो शुरू से इस्लाम में इंटरेस्टिंग थे, तो इसीलिए इन्होंने काम किया। अच्छा अब मैं हाँ जी, कभी भी मैंने फोर्स ना करना चाहा, और मेरा तो कहीं इरादा ही नहीं था कि मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था कि मैं किसी यूरोपियन से शादी करूंगी। मेरे तो रिश्ते पाकिस्तान में ढूंढे जा रहे थे। लेकिन ये आपकी किस्मत में लिख दिए गए थे ना, देखो इस्लाम तो इन्होंने कबूल किया है ना, ये पक्के सच्चे मुसलमान हुए। तो आपने इनके डिफरेंस देखा इनकी लाइफ में? पहले तो आप इनको जाहिर जानती नहीं थी, तो अब आपने बीइंग अ मुस्लिम कैसा आपने इनके अंदर डिफरेंस क्या देखा है आपने? डिफरेंस मैं एक्चुअली कहूँ तो कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिन चीजों पे हम लोग बिलीव करते हैं वो शुरू से उन चीजों पे उस तरह से बिलीव करते थे, तो मुझे ज्यादा डिफरेंस इतना दिखा नहीं। और कल्चरल वाइज भी जो है उन्होंने हमारा कल्चर जो है बहुत ओपनली जो है एक्सेप्ट किया, कोई मसला नहीं हुआ कि ये क्यों है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, तो बहुत ही ओपन पर्सन है। और जब ये तो मुझे शुरू से कहते थे कि मैं तो शुरू से एक इंडियन लड़की से शादी करना चाहता था। बात है इंडियन की पाकिस्तानी नहीं, इंडियन ना, उनको तो बाद में पता चला कि इंडिया और क्या कहते हैं पाकिस्तान अब दो कंट्री है, पहले तो एक ही थे ना, तो मेरे जो एंसेस्टर्स हैं मेरे जो वो सारे इंडियन ही है, इंडिया में ही है उनकी कब्रें भी, तो एक तरह से आधा खून इंडिया का ही है। आप पाकिस्तान से कब गए हैं? पाकिस्तान मेरे दादा अबू जो थे वो 8-9 साल के थे जब वो इंडिया से पाकिस्तान आए थे। अच्छा नहीं तो आप पाकिस्तान से कब गई हैं? मैं पाकिस्तान से आइसलैंड आई हूँ 2002 में। 2000 यानी कि आपको 18 से 19 साल हो गए जी। हाँ अच्छा जी। अच्छा अब हम याया भाई से ना क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन शायद वो मेरे क्वेश्चन थोड़े से आसान ही होंगे और वो मुश्किल जवाब दे पाए। व्हाट याया भाई, व्हाट वाज रिएक्शन व्हेन यू प्रपोज्ड हर? यस, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू फर्स्ट सॉ मी? It was love at first sight. Difficult question. No, it was love at first sight. That is what it was. I remember like it happened yesterday. Before, I was there and I was invited to the like a prayer night, and then I was sitting down on the floor there, and she was sitting across next to me, and I like towards me on the other side, and she was eating something, and she was just like showing me this thing with her eyes.
That's where it happens. Okay, okay, okay. Do you feel any difference between before and after your marriage? Means how the life has taken a change now? Well, I would need a telescope to look back. It's so much change. It's like it's always been like this. It's like we have always had Sara and we have always been together. And, you know, it's like we have always known each other before birth. Okay. I have a question. Once again, question. What do you feel being a Muslim means? How much feel attached to Islam? Well, I feel it so much that, you know, even it's Ramadan now, and, you know, even as much as I want to go and eat and something, it's something inside me that just blocks me and, like, pulls me back. Oh, mashallah. So how much you love her? Very much. Very much. How much? to the moon and back. You are very lucky. कुछ इनके बारे में कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, कि मैं बहुत लकी हूँ कि ये मिले, क्योंकि जितना प्यार, जितना साथ और एक आजादी वाली जो लाइफ है जो एक वाइफ को चाहिए होती है, कि एक हस्बैंड आपको डिक्टेट नहीं करे बल्कि आपका साथ दे, और जो मैं हमेशा से चाहती थी और वो मुझे मिला है. माशाल्लाह. तो आजकल आपकी क्या एक्टिविटी, आप जॉब करती हैं या भाई जॉब करते हैं? मैं जो हूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है. ओहो, क्या चैनल का नाम? क्या जनाब? यूट्यूब चैनल का नाम है धनक की दुनिया. धनक की दुनिया, क्या बात है. तो यानी कि आपके चैनल है जी जी, उसके ऊपर आप अपनी लाइफ, यानी कि आपकी जो डेली रूटीन है वो दिखाती हैं? जी, मैं अपनी रूटीन दिखाती हूँ और हम लोग कैसे, हम एक इंटरेशनल कपल का जो रिलेशनशिप होता है वो कैसे होता है, और स्पेशली जो कल्चरल डिफरेंस होता है उस वो दिखता है मेरी वीडियोस में, और हम लोग कैसे इंटरेक्ट करते हैं या हम लोग कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, क्योंकि जब दो पाकिस्तानी इकट्ठे होते हैं तो वो एक बहुत ही एक क्या कहते हैं, जेन्युइन सी बात है, या दो यूरोपियन लोग लाइफ गुजारते हैं, जेन्युइन सी बात है, लेकिन दो डिफरेंट कल्चर जब एक साथ लाइफ गुजारते हैं ना, तो बहुत चीजें होती हैं. जैसे कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ, यानी कि उनके लिए हमें जो है उस कल्चर के हिसाब से जो है चीजें करनी पड़ती हैं, फिर वही चीज या सेम टाइम पे जो है मेरी तरफ जो है कल्चरल हिसाब से जो है डिफरेंट चीजें करनी पड़ती हैं. Okay. तो वो काफी डिफरेंस जो होता है और हमें दोनों चीजों को मिला के चलना पड़ता है. ओके okay. अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, अब डेनमार्क में रहते हैं, पाकिस्तान कभी नहीं आना? पाकिस्तान हम लोग आते रहते हैं, जैसे अभी 2017 में हम लोग आए थे पाकिस्तान, तो okay. उसके बाद फिर कोविड शुरू हो गया, और अब प्लान करेंगे इंशाल्लाह कोविड जरा सिचुएशन बेहतर हो जाए, क्योंकि जी आप पाकिस्तान जरूर आए, मैं वेलकम करती हूँ. जरूर, जरूर, जरूर आएंगे, आपसे भी मिलेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. तो आप ना क्या कहते हैं, व्यूवर्स देखें कितनी अच्छी लव स्टोरी है, क्योंकि फिर जो इंटरव्यू है ना वो अगर लंबा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे. इनके चैनल का नाम है धनक की दुनिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी, प्लीज जाके देखिएगा. धनक की दुनिया, सारा की दुनिया की धनक की दुनिया, सारा की दुनिया. मुझे लगता है मुझे एक और चैनल खोलना पड़ेगा जिसका नाम होगा सारा की दुनिया. तो आपने ऐसे करना था ना, इस चैनल का नाम पहले ही रखना था सारा की दुनिया. वो पहले इंटरेस्टेड नहीं थी, पहले इंटरेस्टेड नहीं थी, और अब मेरे चैनल को टेक ओवर कर लिया इन्होंने. मुझे ये बताएं, आप सब ने ब्लू के कपड़े पहने हुए इत्तेफाकन? अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने रियलाइज नहीं किया जब तक आपने कहा. अच्छा, ये सुबह की ऐसी स्कूल गई थी, मैं उठ के तैयार हुई हूँ, वो अभी थोड़ी देर पहले नहा के तैयार हुए. अच्छा, व्यूअर्स इनके चैनल का नाम मैंने बता दिया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगी. और मुझे बहुत अट्रैक्ट की ये बात के कैसे उन्होंने इस्लाम कबूल किया, आपसे मिलने के सिर्फ 4 दिन बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया. वो पहले इस्लाम में इंटरेस्टिंग थे और इस्लाम कबूल करके आपके साथ उनकी शादी हुई, माशाल्लाह आपकी एक बेटी हुई, हम दुआ करेंगे. अच्छा, फ्यूचर में क्या, या भाई प्लीज टेल मी समथिंग, से समथिंग अबाउट पाकिस्तान, से समथिंग अबाउट प्लीज फ्यूचर प्लान.
can I say? I have planned to come back someday and travel around in Pakistan, inshallah. Okay, inshallah. Sara, aap bhi kuch bataye, Sara, aap Pakistan aayengi? When? Kab? Mujhe nahi pata. ओए मुझे नहीं पता पापा को पता अच्छा आठ साल हो गए शादी को अभी तक आपने इनको उर्दू नहीं सिखाई एक्चुअली यहाँ पे ना सबसे बड़ा बैरियर जो है ना क्योंकि मुझे आइसलैंडिक भी आती है मुझे इंग्लिश भी आती है तो वो इंट्रैक्शन हम लोग दो तीन लैंग्वेजेस में ऑलरेडी कर लेते हैं तो वो ये जो है ना इसलिए उनको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती तरफ नहीं हुआ हाँ लेकिन आप अपनी वीडियो तो आप अपनी उर्दू में बनाते हैं कि इंग्लिश में वीडियो उर्दू में होती है लेकिन जब मैं इनसे बात करने पे आती हूँ तो इंग्लिश में हो जाती है ओके ओके ठीक हो गया ठीक है तो मैं क्या कहते हैं ये बड़ी ही प्यारी मुझे लव स्टोरी इसलिए लगी है और सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलूंगी आपको कि आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टेक्ट किया कि प्लीज आप हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करें ये जितने भी मैंने आज तक इंटरव्यूज किए ना सबसे जो खूबसूरत इंटरव्यू वो ये है क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया है ठीक है और ये रीजन भी इसका एक ये था कि मैं कहना चाहूंगी सबको कि कभी भी किसी को फोर्स नहीं करें बिना फोर्स जो है प्लीज हाँ, यही मेरा हाँ, हाँ, और यही रीजन है इस इंटरव्यू का भी के दिल से जब आए ना चीज इस्लाम कबूल करने के लिए सिर्फ तब किसी को फोर्स मत करें इस्लाम कबूल करने के लिए किसी को फोर्स जैसे मत कि मैंने इनको फोर्स नहीं किया था जैसे कि मुझे था कि जब मैंने इनको पहली बार देखा तो वो मुझे अच्छे लगे पसंद यानी कि पसंद आया मुझे लेकिन मैंने उनसे कोई रापता नहीं किया कोई बातचीत नहीं की कि क्योंकि मैं मुझे पता था अगर मैं वो चीज आगे बढ़ाऊंगी और हम लोगों में कल्चरल डिफरेंस तो चलो कल्चरल डिफरेंस तो बात की बात है लेकिन सबसे बड़ा रिलीजियस डिफरेंस है तो उसको मैं कैसे और मैं फोर्स नहीं करना चाहती मैं नहीं चाहती कि मैं मुझे ये कहना पड़े कि आपको मुझसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूल करना पड़ेगा वरना ऐसा हो नहीं सकता इसलिए मैंने कोई रब्ता ही नहीं किया लेकिन फिर चार दिन बाद खुद ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर तो रब्ता बनता था माशाल्लाह तो अब प्लीज एंड पे आप कोई शॉर्ट सा मैसेज दें कि पूरी दुनिया में जो इतने बुरे हालात चल रहे हैं वो मैं क्या उसको यही मैसेज दूंगी और मैं अपनी हर वीडियो में एंड में यही कहती हूँ कि इस चीज को लाइटली मत लें जो लोग जो आपकी गवर्नमेंट कह रही है वो करें घर पे रहिए मास्क पहने डिस्टेंस रखें कुछ लोग तो कहते हैं कि कोरोना है ही नहीं ये तो सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है आप उन लोगों से पूछें जो लोग अपने अपनों को खो रहे हैं इस कोविड की वजह से उन लोगों से पूछें उन्हें पता है कि ये कितना रियल है तो प्लीज इसको लाइटली मत लीजिए और बहुत स्ट्रिक्टली एहतियात करें और अपने चैनल के बारे में और अगर ईद पे लॉकडाउन है पाकिस्तान में तो उसको जो है आप लोग क्रिटिसाइज ना करें उसको जो है पॉजिटिवली लें कि आप लोग ईद जो है घर पे अपनों के साथ मना सकेंगे वरना तो चलो यहाँ चलते हैं चलो वहां चलते हैं चलो इसके घर चलते हैं अपनों के साथ ईद ही नहीं मना पाते अपनों के साथ इकट्ठे ही नहीं हो पाते घर पे तो आप लोग अपने आपको लकी समझें कि आप लोगों को इस बार मौका मिलेगा कि आप लोग घर पे बैठ के अपनों के साथ ईद मना सकेंगे या भाई Please tell me, you know me. I'm strong, Uzma. Yes, I know you. आपने बताया? जी मैंने मेरी इंट्रो में बताया था. अच्छा. आपने मेरी इनको स्टोरी बताई थी? जी मैंने बताई थी. I, you know about me. I was blank 2000 till 8, and now I am MBA and MPhil. Yeah, I showed him the video. She showed me the video. Yeah, आपका जो इंटरव्यू हुआ था ना? हाँ जी हमका फाद ओके थैंक यू सो मच अपने चैनल के बारे में दोबारा बोल दें मेरे चैनल का नाम है धनक की दुनिया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आपको बोर नहीं होने दूंगी मैं इंशाल्लाह अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और सबको बताइए इस चैनल के बारे में सबसे कहें कि सब्सक्राइब कीजिए प्लीज प्लीज थैंक यू इंशाल्लाह जरूर मैंने तो कर दिया जनाब और आपकी वीडियो बताई देखे और मैं लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ अपना ढेर सारा ख्याल रखें दुआओं में याद रखें अगर आपके पास कोई ऐसी लव स्टोरी या कोई मोटिवेशनल स्टोरी या कोई हैरत अंगेज टैलेंट है तो व्हाट्सएप का नंबर मेरा चल रहा है मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच ओके जी अल्लाह अल्लाह अब